हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में मौजूद एक जाने माने जिले गोंदिया के बारे में। गोंदिया नाम पहले शायद आपने सुना ही होगा। ये जिला पूर्वोत्तरी महाराष्ट्र में 5234 वर्ग किलोमीटर के विस्तृत भूभाग पर फैला हुआ है। गोंदिया शहर इस जिले का मुख्यालय है। इस शहर को महाराष्ट्र की राइस सिटी कहा जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र में यहाँ सबसे ज्यादा चावल की मिलें मौजूद हैं। देश के बाकी हिस्सों की तरह यहाँ 2011 में जनगणना की गई। उन्हीं आंकड़ों के अनुसार यहाँ लगभग 13.5 लाख लोगों की आबादी पाई जाती है, जो लगभग मॉरिशस देश और अमेरिका की न्यू हैम्पशायर स्टेट की जनसंख्या के बराबर है, जिनमें से लगभग 12% लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये जिला नागपुर डिवीजन का भाग है, जो 8 तहसीलों से मिलकर बना है। यहाँ के विशाल क्षेत्रफल को जनसंख्या के हिसाब से बांटा जाए तो हर एक वर्ग किलोमीटर के इलाके में 253 व्यक्तियों का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। साथ ही साक्षरता की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या में से लगभग 85% आबादी पढ़ी लिखी है, जिसका असर यहाँ के लोगों में साफ साफ नजर आता है। लिंगानुपात के मामले में ये देश में सबसे अच्छे एवरेज पर माना जाता है। यहाँ की आबादी में प्रति 1000 पुरुषों पर 996 महिलाओं का लिंगानुपात पाया जाता है। महाराष्ट्र का अभिन्न हिस्सा होने के कारण यहाँ सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा मराठी है, जो यहाँ के 73% लोगों द्वारा बोली जाती है। इसके अलावा 10% हिंदी और बाकी बची रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जिसमें गोंडी नाम की स्थानीय भाषा भी है, जो यहाँ रहने वाले विशेष गोंड समुदाय की भाषा है। इसी समुदाय की वजह से इस जिले और शहर को गोंदिया के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों के समय बनाई गई रेलवे लाइंस के रास्ते में होने के कारण इस इलाके में आर्थिक सुधार देखने को मिला था। आज के समय यहाँ की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है, जिसमें सबसे ज्यादा चावल की मिलें और गन्ने की खेती होती है। 3300 मेगावाट की सब्सिडियरी भी यहाँ बनाई जा रही है। पूरे गोंदिया जिले में लगभग 700 हेक्टेयर में इंडस्ट्रियल एरिया मौजूद है, जिनमें लगभग 1364 इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड हैं, जिनमें खाने पीने से लेकर टेक्सटाइल, लेदर, केमिकल्स, पेपर और वुड जैसे इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड हैं। इन इंडस्ट्रीज के सुचारू रूप से संचालन के लिए अंग्रेजों के समय से ही ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाने लगा था। यहां पहली बार 1888 में रेलवे लाइन बनकर तैयार हुई थी, जो नागपुर से बंगाल में राजनंद गांव तक बिछाई गई। इसके बाद समय के साथ साथ ये लाइन आगे कई जगहों तक एक्सटेंड की गई, साथ ही आसपास के जिलों से भी इसे जोड़ा गया। मुंबई हावड़ा लाइन बनाना यह क्रांतिकारी साबित हुआ। इसके बनने के बाद से यहाँ फ्रेट और पैसेंजर्स का मूवमेंट काफी ज्यादा बढ़ गया। गोंदिया नागपुर से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। मुंबई नागपुर नेशनल हाईवे ही इस जिले का इकलौता नेशनल हाईवे है, जो लगभग 100 किलोमीटर लंबा है। बीच में ये रोड चंद्रपुर और भंडारा जैसे जिलों से भी जुड़ा हुआ है, जो नागपुर से गोंदिया का रास्ता स्टेट ट्रांसपोर्ट बस से 4 घंटों में तय किया जा सकता है। गोंदिया से जबलपुर, नागपुर, रायपुर और हैदराबाद तक सीधी बसें मिल जाती हैं। इसके अलावा हवाई मार्ग से भी यहां आया जा सकता है। गोंदिया से 12 किलोमीटर दूर गोंदिया एयरपोर्ट मौजूद है, जो सबसे पहले वर्ल्ड वॉर टू के समय अंग्रेजों द्वारा एयर स्ट्रिप के तौर पर बनाया गया था। इसके बाद 1998 में ये MIDC के अंडर आ गया। फाइनली 2005 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसका नियंत्रण ले लिया। इसके बाद इसके रनवे की लंबाई को बढ़ाकर 2300 मीटर कर दिया गया, जो एयरबस A320 और बोइंग 737 जैसे बड़े प्लेन्स को अकोमोडेट कर सकता है। दोस्तों, कैसा लगा गोंदिया के बारे में ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए एक्सप्लोर YRS के साथ।